स्टेज पर हम दावत देने जा रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड प्रेसिडेंट इस्लामाबाद डेवलपर्स एसोसिएशन अ यंग एंड डायनामिक लीडर हु इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस एक्टिविटीज. एक हम कह सकते हैं कि वास्ट बिजनेस एक्सपीरियंस है इनका पाकिस्तान में और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मिडिल ईस्ट में भी. हॉस्पिटैलिटी की बात की जाए, मैनेजमेंट की बात की जाए, रेजिडेंशियल या कमर्शियल वेंचर्स की बात की जाए, ये अपना सानी नहीं रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. और सबसे ज्यादा जो मुझे इनकी बात दिलचस्प लगी है वो ये कि आज की ये महफिल जो सजी है उसके कर्ता धर्ताओं में ये सफे अव्वल में है. बिल्कुल. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, बिजनेस की बात हो, मैनेजमेंट की बात हो, बैनुल अक्वामी वो सहूलियात जिनका पाकिस्तान में तसव्वुर मुहाल है उनको यहां तक पहुंचाने की बात हो, तो ये शख्सियत हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है. अच्छा, एक और चीज के ये तो इनकी जो हम बिजनेस और अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से एप्रिसिएशन के और इसके अलावा बेशुमार अवार्ड्स जो है अपने नाम कर चुके हैं. इन तमाम तर मैं अगर कहूँ क्वालिटीज में कुछ और इनकी क्वालिटीज हैं, जैसे कि पायलट हैं, बाइकर हैं, बाइक चलाते हैं और थ्रिलर सीकर हैं. और अगर इनके बारे में ये कहा जाए ना कि लिविंग ऑन द एज, मतलब इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, प्रमोट करते हैं यूथ को और एकेडमिक इंस्टीट्यूट में ये जो है मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, नौजवानों को मोटिवेट भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो यूथ है वो बिजनेस में और अपने काम के थ्रू जो है वो पूरी दुनिया में अपना नाम बनाए. सो वी वेलकम खवातीन हजरात, पुरजोर तालियों में इस्तकबाल कीजिए सरदार यासिर इलियास खान साहब जो कि सीईओ हैं सेंटोरस ग्रुप के. सरदार यासिर साहब, आप सबकी भरपूर तालियों में. सर, आपके इतने सारे फजाइल हमने बयान कर दिए लेकिन आज आपका कोट छा गया. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस तकरीब में, इस महफिल में बैठे हुए हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर अकबर खान साहब, हमारे फेडरल सेक्रेटरीज, सीनियर ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एम्बेसडर्स, डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, यहाँ पे मौजूद बिजनेस कम्युनिटी के, पूरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों, अस्सलाम अलैकुम. आवाज़ नहीं आई, लगता मज़ा नहीं आ रहा है. अस्सलाम अलैकुम इस्लामाबाद. दैट्स इट गाइस. सी बात करते हैं. आई होप आई एम ऑडिबल. इफ आई एम नॉट, मैं मैनुअल माइक ले लेता हूँ. आई थिंक मैनुअल माइक में लेते हैं. इफ आई कैन गेट अ माइक प्लीज. हेलो. क्योंकि दिल की बातें करनी है आपसे, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा. राहत को सुनने चाहते हैं या नहीं, फिर थोड़ा सा पेशेंस तो चाहिए होगा. अच्छा गाइस, लुक, हम अक्सर बात करते हैं ब्रेन ड्रेन की क्योंकि यूथ यहाँ पे मौजूद है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ यूथ एंड यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. मुझे आपसे उम्मीद है, नॉट दोज डाइनर. नो ऑफेंस टू एनी ऑफ द डाइनर सोर्स दैट एग्जिस्ट टुडे, लेकिन हमें उनसे उम्मीद नहीं है. दे हैव बीन देयर, डन इट. They've served their time. You are here today. This is your time. You are the future of Pakistan. Ladies and gentlemen, जब हम बात करते हैं brain drain की, flight of capital की, तो इसमें एक कहावत है, लोग कहते हैं the grass is greener on the other side. Let's go abroad. मेरा एक सवाल है आपसे, why not make the grass greener on this side? वो हरियाली यहाँ भी आ सकती है. आप करके तो देखें, try तो करें. We're here, right? हम भी foreign qualified हैं, हमारे very own IG foreign qualified हैं, जितनी business community बैठी हुई है, foreign exposure वाली business community है, लेकिन वो आज पाकिस्तान में हैं. वो ये मुल्क छोड़ के नहीं गए, despite the conditions, despite the challenges, despite the negativity, वो आज भी यहीं हैं. मैं चंद अल्फाज बयान करूँगा जो मैं हमेशा हर फॉरम पे कहता हूँ क्योंकि दिल के अल्फाज हैं. ये यकीन है मुझे इस कौम में, और ये आप सुनिएगा और महसूस कीजिएगा. जब हम पूछते हैं कि हम कौन हैं,
या कोई आपसे कभी पूछे ओवरसीज कि वर इज पाकिस्तान, आप लोग कौन हैं, जो हमारे दोस्त यार भाई सर्व कर रहे हैं एट द हाईएस्ट फॉर्म्स, बेस्ट बिजनेसमैन बाहर हैं, बेस्ट डॉक्टर्स बाहर हैं, बेस्ट इंजीनियर्स बाहर हैं, बुर्ज खलीफा उन्होंने बनाया, आई प्रॉमिस यू आईफिल टावर में जाएं वहाँ भी कोई पाकिस्तान ने कोई ईंट लगाई होगी, आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में चल जाएं, कहीं भी जाएं, आप सीन पाकिस्तान इज द बेस्ट टैलेंट इज फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन वो हम टैलेंट एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ को सुनिए और एहसास कीजिए कि हम कौन हैं। हम सिर्फ ख्वाब नहीं दिखाते, हम ताबीर देने वालों में से हैं, हम मायूसी नहीं उम्मीद देने वालों में से हैं, हम रेत के ज़र्रों को उठा के महल बनाने वालों में से हैं, हम हाथ के लिखे को मुकद्दर बनाने वालों में से हैं, हम आपके सामने दुनिया के सामने अंधेरों में उजाला करने वालों में से हैं, और हम हैं एक पहचान, हम हैं पाकिस्तान। ये जो मैं कह रहा था अंधेरों में उजाला, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अगर दुनिया आज रोशन है तो वो पाकिस्तान की वजह से रोशन है। हर जगह किसी ना किसी फोरम पे हमने कोई ना कोई कुर्बानी, कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जरूर दी है, जिसकी वजह से दुनिया आज सक्सेसफुल है। चाहे वो मिडल ईस्ट में सऊदीया की हम बात करें, न्योम सिटी अगर बन रही है तो न्योम सिटी में शायद 70% लेबर हमारा या सीनियर मैनेजमेंट हमारी होगी। यूएई की एग्जांपल दें, अबू धाबी में सबसे ज़्यादा काम पाकिस्तानीज ने किया हुआ है, हमारे केपीके के दोस्तों ने किया हुआ है। लंदन में देखें तो बर्मिंघम, मैनचेस्टर हमारा है, कनाडा की बात करें तो टोरंटो हमारा है। वी हैव टेकन ओवर द वर्ल्ड गाइस। तो किस चीज़ का एहसास है, कंपनी है कौन सी हमें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, कभी भी नहीं हो सकता ना होगा। हम आज इस इवेंट के बारे में बात करते हैं क्योंकि वी ऑलवेज टॉक अबाउट बिजनेस, आज हम बात करेंगे एक कॉज की। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी बिजनेस कम्युनिटी का जिनने साथ दिया। ट्रूली द एसेंस ऑफ CSR कैन बी सीन हियर। कोई इसमें मुनाफा नहीं ले रहा, ये आपके लिए, अपने शहर के लिए, अपने जुड़वा शहरों के लिए इवेंट किया गया है, टू पे ट्रिब्यूट टू द शहदाज एंड गाजीज ऑफ पाकिस्तान। और हम सब मिलके ये साबित कर रहे हैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कि हम बहसीयत एक कौम एक हैं, कोई फ़र्क नहीं है यहाँ कोई कश्मीर से, कोई KP से, कोई पिंडी से, कोई लाहौर से, कोई सियालकोट से, कोई फैसलाबाद से, कोई कराची से नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब पहले एक कौम हैं। और ये आज अब इस फोरम पे आपने साबित कर दिया। हमारे जितने दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे, इसमें जुडिशरी के दोस्त हैं, लॉयर्स हैं, हमारी माशाल्लाह मीडिया के दोस्त हैं यहाँ पे, बिजनेस कम्युनिटी के हैं, स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन हैं। कौन हैं हम? हम सब एक हैं, वी हेयर फॉर वन कॉज, पे ट्रिब्यूट और उन शहदा को, उन गाजियों को हम सलाम पेश। मैं आज कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो चीज़ें हम ओवरलुक करते हैं। अक्सर जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं जुमे की, हम ईद पे जाते हैं, कभी ये नहीं देखते कि हम सुकून से नमाज़ पढ़ रहे हैं ये जानते हुए कि बाहर हमारे रखवाले हैं, हमारे मुहाफिज बाहर खड़े हैं, मेक श्योर के लिए कोई बॉम्ब ना हो, कोई वेपन लेके वहाँ पर ना आ जाए। गाइस, उनको हम सलाम पेश करते हैं। हम सलाम पेश करते हैं अपने सारे शुहदा को जो मैदान कारजार में जाके अपनी जान निछावर करते हैं आप लोगों के लिए, इस कौम के लिए, ताकि हमेशा शान और आबाद रहे ये कौम। हम सलाम पेश करते हैं उन सब कुर्बानियों को, उस खून को जिस खून की खुशबू आज भी इस मिट्टी में महसूस होती है, और हम कहते हैं ये मिट्टी जरखेज़ है, ये जरखेज़ है तो उस लहू की वजह से जो कुर्बान हुआ है आपके लिए, इस पाकिस्तान के लिए। हम सलाम पेश करने चाहिए उन माओं को जो यहाँ माएँ बैठी हुई हैं, हमारे पास शुहदा की फैमिलीज इस ऑडियंस में बैठी हुई हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं जो दुख और गम वो माएँ यहाँ पे लेके बैठी हुई हैं, जो दुख और गम वो माएँ यहाँ पे लेके बैठी हुई हैं और उस गम को अपने सीने पे तमगू की तरह से जाके बैठी हुई है आपके सामने, उन माओं को हम सलाम पेश करते हैं, उन बेटियों को सलाम पेश करते हैं, उन बीवियों को सलाम पेश करते हैं, उन बच्चों को सलाम पेश करते हैं जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि उनके लवाकिन ने कुर्बानी दी थी आप सबके लिए, इस कौम के लिए। इसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान का बहुत बड़ा कलीदी किरदार है, अलॉन्ग साइड विद ऑल दी अदर एजेंसीज, जिसमें रेंजर्स है, पुलिस है, नॉट जस्ट इस्लामाबाद, पिंडी, KPK इसमें है, बलोचिस्तान इसमें है, पूरे पाकिस्तान की फोर्सेस इसमें शामिल हैं।
गाइस बहसियत कौम हमें फख्र महसूस करना चाहिए कि हम रात को सुकून से सोते हैं नोइंग दैट ऑल थ्री ऑफ आवर सेक्टर्स आर कवर्ड, चाहे हम लैंड की बात करें, एयर की बात करें, सी की बात करें, सुकून से सोते हैं नोइंग कि somebody is out there guarding our interests, guarding our homes, guarding our borders. उन ममालिक की बात करें जिनके पास फौज नहीं है, सीरिया के हाल देख लें, पैलेस्टाइन का हाल देख लें, अफगानिस्तान का हाल देख लें, रिसेंटली यूक्रेन का हाल देख लें. हाउ डू फॉरेन फोर्सेस इन्वेड, और हम खुद मिसाल हैं इसकी. जितनी इंसर्जेंसीज हुई है अफगानिस्तान में, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पाकिस्तान ने उठाया. 2005 से ऑनवर्ड आप देख लें जितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ है सिविलियंस का और हमारे डिफरेंट इदारों का, उनकी उनकी शहादतों को हम सलाम पेश करते हैं. लेकिन क्यों? बिकॉज वी आर बेस्ड इन वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस विद अ बैड नेबर, बट वी आर पेइंग अ प्राइस और कॉस्ट, और इस चीज़ का हमें एहसास नहीं है. आज हमारे ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है. दिस फोरम टेस्टिफाइज दैट वी आर वन. जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप लोगों ने ये साबित किया और करते रहना है कि वो गलत हैं. पाकिस्तान का कोई एक महाज नहीं है. सिर्फ बिजली की हम बात नहीं कर रहे कि वो एक इशू है, हम सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात नहीं कर रहे, इससे बहुत बड़े मिसाइल हैं. हमारे एक महाज नहीं है. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर फाइटिंग अ कैंसर फ्रॉम विद इन. एक धीमक की तरह वो हमें चाट रहे हैं, और हम सपोर्ट करें अपनी सारे इदारों की ताकि वो इस धीमक को, इस कैंसर को फाइट कर सकें. अगर हम उनके ऊपर तनकीद, बड़ाए तनकीद करेंगे डिस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ, वो कौन आपका दिफा करेगा? वो फोकस कैसे करेंगे? उनका मोराल कौन बूस्ट करेगा? उनको मोटिवेट कौन करेगा? ये हकीकत है कि वे नॉट जस्ट फाइटिंग फॉरेन बैटल्स, हमारे बैटल्स इंटरनल भी हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हैं. और ये सारे इदारे जो हमारे बैठे हुए हैं, जो हमारे इदारे बिहाइंड डोर्स काम करते हैं, जो फ्रंट से काम करते हैं, वो हमारे सिपाही जो हमें नज़र नहीं आते, इंटरनली एक्सटर्नली पाकिस्तान की बका के लिए काम करें, और उनको हम सलाम पेश करते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज सो मच टू बी सेड, लेकिन नेगेटिविटी प्रोपेगेंडा, स्पेशली नेगेटिव फॉरेन मीडिया प्रोपेगेंडा हैज़ टू स्टॉप. हम जब घर में कोई इशू होता है उसको बाहर डिस्कस नहीं करते, हम अंदर की गंद बाहर नहीं लाते. तो एज अ कौम हम कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को, हम कैसे क्रिटिसाइज करते हैं अपने इदारों को? गवर्नमेंट के ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपका हक है, लेकिन ये कहना कि ये नालायक इंसान है, इट डज नो हाउ टॉक, इंसल्ट तो आप अपनी गवर्नेंस की कर रहे हैं. एट द एंड दे आर योर लीडर्स. चुनावी आप लोगों ने सर समय गुजारिश है. 56-57% लिटरेसी रेट है हमारा, AJK का 67% है. इतनी लिटरेसी के बावजूद वी शुड एटलीस्ट पिक एंड चूज द राइट पीपल. Selected नहीं, elected. That is what we need. That is how Pakistan is going to progress and move forward. क्योंकि जिन ममालिक की हम example देते हैं, Middle East की हम देख लें, हम Europe में देख लें, they are moving ahead because उनकी governance अच्छी है, उनकी leadership अच्छी है, और हमें इंशाल्लाह अच्छी leadership मिलेगी. Leadership की बात की जाए तो हमारे Inspector General of Police की बात की जाए तो शफात ने बिल्कुल बजा फरमाया कि it trickles down. The vision does trickle down. माशाल्लाह IG साहब इज़ नॉट दिस योर टिपिकल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस. लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को शायद ना पता हो, IG साहब माशाल्लाह इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम हार्वर्ड कैनली स्कूल, अ ट्रू इंटेलेक्चुअल जिनको पता है कि फॉरेन पॉलिसी कहाँ स्टैंड करती है, फॉरेन बिजनेसेस कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, और फॉरेन पुलिसिंग कैसे की जाती है. वेल ट्रेवल्ड, वेल एजुकेटेड माशाल्लाह, और वही चीज़ उन्होंने अपनी टीम में इनबिल्ट और एग्जिबिट की है. मेरे पुलिस वालों, बेहद खुश हूँ ये आपको बताते हुए कि आपको ऐसे IG साहब मिले हैं जिनको आपका एहसास है, आपकी ज़रूरतों का, आपका दर्द और आपकी तकलीफ़ का एहसास है. पहली बार माशाल्लाह हम इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में देख रहे हैं कि आपके लिए एक हॉस्पिटल का इनकाद किया जाएगा, जो इंशाल्लाह IG साहब अपने टेन्योर में करवा रहे हैं. ये आपके लिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कहीं और जाके ख्वार ना होना पड़े. ये वो पुलिस है हमारी, 2021 में हमारा एक सिपाही था बलोच, उसने कम से कम 4-6 गोलियां खाई, उसके बावजूद मुजरिम को जाने नहीं दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो शहीद नहीं हुआ, वह हयात है, और हम खुद जाके उसे मिले थे. ये वो जज्बा है, जोश है इस पुलिस में, और IG साहब को इसका एहसास है, और IG साहब ने आप लोगों के लिए एक हॉस्पिटल का किया है. ये वो IG साहब है माशाल्लाह हु इज़ द पाइनियर बिहाइंड सेफ सिटी, और सेफ सिटी की DIG हमारे पास माशाल्लाह बैठे हुए हैं. दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ इनोवेशन वी नीड इन पाकिस्तान, कि हम डिजिटाइजेशन की तरफ आएँ. आप एक ऐप के थ्रू इस्लामाबाद पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं. ये वो इस्लामाबाद पुलिस है जो ख़वातीन के लिए एक डेडिकेटेड सेंटर बना चुकी है. जो ख़वातीन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, आप डायरेक्ट जाके ख़वातीन से बात कर सकते हैं, उनको बयान कर सकती हैं अपना दर्द जो शायद आप किसी और को ना बता सकें.
तो आईजी साहब आपके विजन को सलाम। साथ ही हम बेहद मशकूर हैं जितने हमारे खवातीन और जवान यहाँ मौजूद हैं हमारी इस्लामाबाद पुलिस के, आपको हम सलाम पेश करते हैं कि आपकी सपोर्ट के थ्रू ये इवेंट आज इतना सिक्योरली इतना डिसिप्लिन के साथ ऑर्गेनाइज किया है। कोई मुझे मखलूक नज़र नहीं आ रही उछलती कूदती हुई, क्योंकि सबको पता है कि इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पे मौजूद है। एक सिविलाइज डेकोरम के साथ आप लोगों ने मुजाहरा किया, एंड अगेन थैंक्स टू द इस्लामाबाद पुलिस के इतनी देर से आप लोग खड़े हैं। और ये वही वाली मिसाल है कि चाहे सर्दी हो, ठंड हो, गर्मी हो, खुशी हो, कुछ भी हो, जो हमारे जितने भी अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान पुलिस के लोग हैं, वो हमेशा अपनी ड्यूटी करते हैं। वो कभी नहीं देखते कि हम क्या कुर्बान कर रहे हैं, वो कहते हैं ये कुर्बानी आपके नाम, इस कौम के नाम, इनको हम सलाम पेश करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम बिजनेस कम्युनिटी की बात करें तो ये वो लोग हैं जो बैकबोन है पाकिस्तान का। विदाउट द बिजनेस कम्युनिटी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आज भी अगर हम पाकिस्तान की इकॉनमी देखें, टोटल 300 बिलियन की जीडीपी हम क्रॉस नहीं कर पा रहे, एक मजाक है। हमसे छोटा मुल्क है तुर्की, तुर्की के एम्बेसडर अभी बैठे हुए थे, 800 बिलियन डॉलर्स का उनकी जीडीपी है, हमारी आबादी उनसे डबल है। हम क्यों नहीं कर सकते? हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इंडिजिनस प्रोडक्शन की तरफ हम नहीं आ रहे। वी नीड टू कमर्शलाइज आवर आइडियाज एंड आवर प्रोजेक्ट्स, एक्सपोर्ट्स की तरफ हमने आना है। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम सलाम पेश करते हैं अपने सिपा सलार को कि ही इज फाइनली टेकिंग द राइट इनिशिएटिव। एसआईएफसी का प्योर प्रेरोगेटिव है टू ब्रिंग एफडीआई इनटू पाकिस्तान। अगर इस आईएमएफ के हमने इस क्विक सैंड दलदल है, इससे अगर हमने निकलना है तो हमें पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इन्हेंस करनी पड़ेगी और एफडीआई को इन्हेंस करना पड़ेगा। उसके लिए प्रोडक्शन हमने इंक्रीज करनी है, हमने एसेट्स को सिक्योर करना है कि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आए और महफूज फील करे। मैं एज अ फॉरेन इन्वेस्टर आज अगर यहाँ बैठा हुआ हूँ, पूरी बिजनेस कम्युनिटी आपकी तहफ्फुज के साथ बैठी हुई है, क्योंकि आईजी साहब और उनकी पूरी टीम ने इंश्योर किया है कि आपके मुहाफिज आपका रखवाला कर रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली जो हमारे सिप पे सलार हैं वो इंश्योर कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और पूरी कौम सेफ फील करेगी और इंशाल्लाह सेफ फील करती रहेगी, क्योंकि दिस इनिशिएटिव इज गोइंग टू गो अ वेरी लॉन्ग वे। हमने इन्वेस्टमेंट्स मटेरियलाइज करनी है और इसके लिए इंशाल्लाह एज अ बिजनेस कम्युनिटी हम उनके साथ पूरा तावन करेंगे। हम चाहते हैं कि एसआईएफसी में हमारी भी इंशाल्लाह इन्वॉल्वमेंट हो। और इंशाल्लाह जो रियल स्टेट सेक्टर के, मैं इसलिए बात करूंगा क्योंकि आज सारे स्पॉन्सर्स हमारे रियल स्टेट सेक्टर के हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, रियल स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट टू नियरली 40% प्लस डॉक्यूमेंटेड इन द इकॉनमी। अनडॉक्यूमेंटेड तो ह्यूज वेल्थ है यहाँ पे। हम अगर बात करें कॉन्ट्रीब्यूशन की तो 60 एलाइड सेक्टर्स रियल स्टेट के साथ काम करते हैं। आज जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स हैं इसमें कोई प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर नहीं है। ऑल ऑफ दीज आर टाइटल स्पॉन्सर, दीज आर ऑल पीपल हैव गॉन आउट ऑफ द वे और इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट किया टू मटेरियलाइज दिस इवेंट, ताकि आपको डिलीवर कर सकें, आपके लिए ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें, ये फेस्टिविटी क्रिएट कर सकें, ताकि हम डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली शो कर सकें कि वी आर पीस एंड लविंग नेशन। कोई शक? कोई शक? विद रिगार्ड्स टू माई स्पॉन्सर्स, आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑफ विद टॉप सिटी। टॉप सिटी इज ओन बाई डियर ब्रदर कुनवर मोइस खान साहब, देयर वी गो। टॉप सिटी ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया, एक नई अर्बन प्लान शहर आपके सामने लेके आ गए हैं, लेकिन उसके साथ जो पूरा एक्सप्रेस वे है आपका गोइंग टू द एयरपोर्ट, ये रोड टॉप सिटी ने डोनेट की थी। ये अरबों के मनसूबे कर रहे हैं और आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर ये चाहते तो ये भाई जा सकते थे, पूरी फैमिली उनकी यहाँ पे बैठी हुई है। मेरे बहुत प्यारे दोस्त कुनवर मोइस खान साहब आज नहीं आ सके, ये उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। टॉप सिटी इज़ अ गेम चेंजर इन अर्बन प्लान डेवलपमेंट। साथ ही हमारे नोवा सिटी बैठे हुए हैं, नोवा सिटी चौधरी जुनेद साहब। नोवा इज़ वेरी सिमिलर, अगेन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड अर्बन प्लान डेवलपमेंट, अ सिटी विद इन अ सिटी। और सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, वो केपीके में कर रहे हैं, लाहौर में कर रहे हैं, और लाहौर में वन ऑफ द बिगेस्ट टॉलेस्ट हाई राइज लाहौर में आ रही है नोवा सिटी की एज नोवा वन। तो वी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। साथ ही हमारी पार्क व्यू यहाँ पे मौजूद है, अगेन एन अर्बन प्लान ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी, एक सिटी विद इन अ सिटी। और हम क्यों इतनी सोसाइटीज बना रहे हैं, सब पूछते हैं कि यार ये सारे प्रॉपर्टी वाले सारे, अच्छा एक चीज़ मैं और बताऊँ, ये जो टर्म है ना माय डीलर, वी आर नॉट डीलर्स एनी मोर, वी आर सिविलाइज्ड, वी आर एजुकेटेड, व्हाट आर वी, वी आर स्टेट एजेंट्स, दैट इज द टर्म। सो हमारे एसोसिएट्स बैठे हुए हैं। आज पाकिस्तान में 14 से 15 मिलियन घरों की डिमांड है, 250 मिलियन की आबादी है। तो अगर ये सोसाइटीज नहीं बनेंगी, ये बिल्डिंगें नहीं बनेंगी, तो आबादी कहाँ जाएगी? सो दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो पार्क व्यू के साथ हमारे माशाल्लाह प्लैटिनम पार्टनर फेयर डील यहाँ मौजूद है, उनकी टीम मौजूद है माशाल्लाह। ये जो हम बात करते हैं एम्बेसडर्स की, हमारे अपने एम्बेसडर जनरल अजमल बैठे हुए हैं यहाँ पे, ही इज़ नाउ द एम्बेसडर डेजिग्नेट टू जॉर्डन। जनरल साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जनरल साहब ये चीज़ जानते हैं कि हमारे ये जो हैं कमर्शल अटैचेज, उनसे ज़्यादा ये सोसाइटीज़ काम कर रही हैं। सबसे ज़्यादा रोड शोज़ पिछले 2 साल में पार्क व्यू ने जाके किए हैं, सऊदीया में भी, यूएई में भी, लंदन में भी। और बेहद खुश होता हूँ मैं ये देखते कि दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाट पाकिस्तान हैज़ टू ऑफर।
हम जब सिटीस्केप दुबई में जाते हैं, दुनिया जहान के प्रोजेक्ट्स आते हैं, इंडिया के आते हैं, फलाने ममालिक के आते हैं, नाउ फाइनली माशाल्लाह पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं और हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट लिविंग रेजिडेंशियल कमर्शियल हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे बनाई जाएगी। इसी के साथ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं J7 प्रॉपर्टीज़। J7 इज़ अगेन एन आइकॉनिक नेम माशाल्लाह विद आइकॉनिक प्रोजेक्ट। B17 में वो बहुत प्यारा मिक्स यूज कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं J7 एम्पोरियम के नाम से, जहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, कमर्शियल एंड हॉस्पिटैलिटी का ब्लॉक और रिटेल का एक शॉपिंग मॉल लेके आ रहे हैं, क्योंकि B17 में आबादी बहुत है, कमर्शियल ब्लॉक नहीं है, तो वो कर रहे हैं। साथ हमारे रोडियम रेजिडेंशिया, रोडियम नाम इट्सेल्फ इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस मेटल्स, अनदर आइकॉनिक प्रोजेक्ट इन डिप्लोमेटिक इनक्लेव जो कि नियर कम्प्लीशन है, इंशाल्लाह उसके स्ट्रक्चर कम्प्लीट हो जाएगा विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड दिस इज़ अ सिक्योर इन्वायरमेंट। उसी के साथ हमारे नेबर्स मौजूद हैं फैंटम। फैंटम और रोडियम और टू ट्विन टावर्स ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक ही स्पेक्स की हैं, एक ही स्टैंडर्ड्स की हैं और दोनों माशाल्लाह बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं, डन बाय माय वेरी ओन ब्रदर्स। ये सब मेरी अपनी फैमिली बैठी हुई है यहाँ पे। खूबसूरती फैंटम की ये कि जो टाइमलाइन फैंटम ने कमिट किया था उससे पहले माशाल्लाह फैंटम ने अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया और नाउ दे हेडिंग टुवर्ड्स फिनिशिंग। तो ये वो लोग बैठे हुए हैं जो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उसी के साथ हमारे IEA के सदर सरदार ताहिर साहब, उनकी पूरी एसोसिएशन बैठी हुई है, 2000 से ज़्यादा ऑफिशियल रियल्टर्स इनकी एसोसिएशन में एनलिस्टेड हैं। चौधरी मसूद साहब हमारे बैठे हुए हैं, मुमताज सिटी के ओनर। मुमताज सिटी इज़ अनदर पाइनियर माशाल्लाह इन दिस रीजन। आपने देखा होगा कि ट्विन आपकी सिटीज बन रही है, एक मुमताज सिटी, एक टॉप सिटी। जायद रफीक साहब वहाँ बैठे हुए हमारे सेक्रेटरी जनरल IEA के, IEA इज़ नाउ मूविंग टूवर्ड्स ऑर्गेनाइज स्टेट एजेंट। सबके पास इंशाल्लाह एक लाइसेंस होगा ताकि जब आप किसी डीलर से या स्टेट एजेंट से बात करते हैं आपको पता होगा वो ऑथराइज लाइसेंस स्टेट एजेंट है। उसी के साथ हमारे दो बहुत प्यारे ग्रुप हैं, एक लेजेंडरी नाम है इस्लामाबाद का, डिवाटसन। डिवाटसन आप जानते हैं कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बाइंग द बेस्ट कॉस्मेटिक्स, बाइंग द बेस्ट फार्मास्यूटिकल। डिवाटसन के MD हमारे प्रेजेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एहसन बख्तावी साहब बैठे हुए हैं। दे हैव माशाल्लाह बिकम अ ब्रांड। मैं तो दावत देता हूँ कि वाई नॉट लाहौर, डिवाटसन को हम लाहौर में, KPK में, कराची में, हर जगह लेके जा सकते हैं। हम तुर्बत गए थे, 6 लाख की आबादी तुर्बत में है, ना वहाँ पे कोई बेकरी, ना वहाँ पे कोई फार्मेसी। हमारे शाहीन के बहुत ही प्यारे दोस्त यहिया, मोहम्मद यहिया बैठे हुए, उनके भाई दाऊद बैठे हुए हैं। शाहीन इज अ ट्विन ऑफ डिवाटसन। जहाँ पे शाहीन है वहाँ पे डिवाटसन है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी कि हम सियासत नहीं करते, हम कारोबार करते हैं और हम एक दूसरे को सपोर्ट और इंडोर्स करते हैं। Have I forgotten anybody? कोई मेरे दोस्त, कोई स्पॉन्सर हमारे रह तो नहीं गया? कराची स्टील। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम दुनिया की बात करते हैं और इनोवेशन की बात करते हैं। आपको पता है दुनिया में बात की जाती है कार्बन फुटप्रिंट की, कार्बन क्रेडिट की। कराची स्टील इज माशाल्लाह पाइनियर इन द रीजन, जिन्होंने अपनी पूरी फैक्ट्री स्मोक फ्री कर दी है। दे हैव जीरो कार्बन फुटप्रिंट और आज तक इनको वो इंडोर्समेंट नहीं मिली। दिस इज फॉर यू। जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो माशाल्लाह क्लाइमेट चेंज की मिसाल, सबसे पहले उन्होंने एड्रेस किया इस इशू को कि वी विल मेक श्योर कि देयर इज नो पोल्यूशन इन इस्लामाबाद। I-9 में मेजॉरिटी हमारे जितने हैं इंडस्ट्री के दोस्त बैठे हुए हैं, देर मूविंग टूवर्ड्स दिस। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यूरोप और वेस्ट को फॉलो करें, मिशन कंट्रोल को फॉलो करें। दिस इज जस्ट अ क्विक ब्रीफ अबाउट माई बिजनेस कम्युनिटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज़ याद रखिएगा, आई एम सो सॉरी, मुजाहिद ग्रुप ऑफ कंपनीज, आतिफ इकराम साहब, उनके भाई खयाम साहब, मुजाहिद ग्रुप इज अनदर पार्टनर ऑफ आवर्स इन रोडियम। लेकिन मुजाहिद उसी के साथ इज वन ऑफ द माशाल्लाह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एडिबल ऑयल। दे आर मूविंग टूवर्ड्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स, रियल स्टेट में भी वो काम कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और ये सारे दोस्त यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं क्योंकि इनको यकीन है। गाइस, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, आई नो तकरीर लंबी हो गई है, यकीन रखें, सब्र करें, लिसन टू दिस। हमें पता है हम क्यों हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें यकीन है और ये यकीन आपको आना जरूरी है कि हम यहीं पे पैदा हुए थे और यहीं पे दफन होंगे। डिस्पाइट द चैलेंजेस, डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज, हमारा यकीन इस मुल्क में है और वो यकीन मैं चाहता हूँ आप में आए, वो हमें आप में नजर आना चाहिए। बिकॉज यू आर द फ्यूचर, यू हैव टू हैव फेथ। अगर आप बाहर जाते हैं जरूर जाएं, गो अब्रॉड फॉर एजुकेशन, लेकिन नॉट फॉर लीविंग पाकिस्तान। खुशी गमी आपकी इसी कौम में, इसी मुल्क के साथ है, आपकी रिस्पेक्ट इसी मुल्क में होगी। आप कोई भी पासपोर्ट ले लें, आपका चेहरा देख के वो कहेंगे वेयर आर यू रियली फ्रॉम। तो जब आपने कहना है कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, देन व्हाई नॉट बी अ पाकिस्तानी, बी अ प्राउड पाकिस्तानी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द पहचान, इट्स अबाउट द रिस्पेक्ट, इट्स अबाउट द कैरेक्टर, इट्स अबाउट हु यू रियली आर। सो बी ट्रू टू योरसेल्फ, बी ट्रू टू दिस नेशन एंड बी अ पाकिस्तानी फर्स्ट। इस कौम को आपने जोड़ना है और हम यहाँ पे जोड़ने के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आज जो इमारत ग्रुप ऑफ कंपनीज,
MashaAllah, Imarat is another overseas Pakistani, Shafiq Saab from Gharana. Everybody knows about Gharana, right? We've seen so many of these red brandings across Islamabad. CSR में बहुत काम करते हैं. MashaAllah, Gharana ने 5 साल में 5 project deliver किए हैं. Just recently, हमारी पिंडी GT Road के ऊपर, हालांकि इस्लामाबाद की domain है, वहाँ पे उन्होंने outlet mall बनाया जहाँ पे सारी families जाके under one roof सारी घर की accessories buy कर सकती हैं. आप वहाँ पे sanitary, ceramics, accessories, lighting, sofa सारे under one roof buy कर सकते हैं. ये आपके लिए value addition लेके आए हैं. इसी के साथ माशाल्लाह Amazon mall उन्होंने बनाया और अब mall of Arabia आपके लिए लेके आ रहे हैं. This is Imarat Group of Companies. I think the team is here. So guys, we're very proud of you, a truly innovative team, a truly innovative leader. So it's all about the leadership. And last but not least, of course, your very own Centaurus. Ladies and gentlemen, Centaurus is not just a mall. Hamesha log kehte hain ki Centaurus mall, Centaurus mall. Centaurus is one of the most unique projects jahan pe do residential towers hain, ek shopping mall hai aur inshallah aapke liye agle 6 mahine ke andar हम एक रियल 5-star होटल लेके आ रहे हैं. प्रॉपर होटल विच यू कैन कंपेयर टू द एड्रेस इन दुबई, यू कैन कंपेयर टू द वर्साची इन दुबई, एंड आई कैन प्रॉमिस यू इट इज गोइंग टू बी बेटर देन मोस्ट ऑफ द होटल्स इन लंदन. ये मेरा आपसे वादा है. हमारे पास गेस्ट रूम मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, लेटेस्ट श्नाइडर की इक्विपमेंट है, बेस्ट जेनसेट्स हैं, चिलर्स हमारे डाइकिन के हैं. पता है खुशी क्यों होती है बताते हुए? क्योंकि हमने अपनी जान खून पसीना लगाया इन प्रोजेक्ट्स में ताकि पाकिस्तान की पहचान बन सके, ताकि आपको ख्वाह ना होना पड़े और आप कभी कंपेयर ना करें कि यार लंदन में ये चीज़ है, वहाँ पे ये चीज़ है. लंदन में तो वहाँ पे वाईफाई के लिए चार्ज किया जाता है, यहाँ पे वाईफाई के अलावा आपके पूरी बटलर सर्विस मिलती है. पाकिस्तान जैसी सर्विसेज कहीं मिल सकती हैं आपको? फ्री कार पार्क्स आपको यहाँ पे मिले हुए हैं, आपको फ्री कॉम्प्लीमेंट्री क्या चीज़ें नहीं मिलती. यहाँ हमने 10-10 मुलाजिम रखे हुए हैं, वहाँ एक रख के देख लें. अपना मुल्क एक जन्नत है. जस्ट बी फेथफुल, हैव फेथ. It's all about yakeen. Yakeen hoga, iman aapka pukhta hoga. This country will deliver. Guys, agriculture is there. Minerals is there. IT is there. Gems, jewelry is there. Furniture is there. Arts and crafts are there. Everything is right here. Abhi toh hum us pe tip pe bhi nahi gaye. We're just touching the tip of the iceberg. This is just a start. Jaise maine kaha show ke baare mein ki party toh abhi shuru hui hai. Dekhein aage hota hai kya. So guys, have faith. I'll conclude this by thanking IG Saab, thanking the Rangers team, thanking the Islamabad Traffic Police, Islamabad Capital Territory Police as a whole. Hum again apne shuhada ko, apne armed forces ki, afwaje Pakistan ki jitni families hain, unki contribution hai, unki qurbaniyon ko salam pesh karte hain. Kabhi aap na mehsoos kijiyega ki qoum mein koi double minded ho chuka hai. Koi bhi double minded nahi hai. Hamare qaid ne kaha tha, there is no power in the world that can undo Pakistan, aur ye aaj uska saboot hai ki hum sab ek the, ek hain aur ek hi rahenge. So let me hear you say it. Pakistan, Akhwaje Pakistan, Pakistan Police, Pakistan Zindabad. Aur ek cheez aur, final one. Let me hear you say this. Main sunne chahta hu. Hum sab milke, main jaunga nahi jab tak nahi sunta. Hum sab milke इस बेहतरीन मुल्क को और भी बेहतर बनाएंगे. पाकिस्तान जिंदाबाद.